अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम ना बस एक बात गांठ बांध लो, चीत का खून मिलना तो बहुत दूर की बात है, हम चीत के झूठे पानी की एक बूंद भी तुम तक नहीं पहुंचने देंगे। और अगर हमारी बात तुम्हारी समझ में आती है तो अच्छी बात है, वार्निंग समझ के इसे समझ लो, वरना अगली बार वार्निंग नहीं देंगे, सीधा मौत देंगे, मौत देंगे तुम्हें। क्या क्या कहा तुमने? हेलो हेलो नर्स, हमारी बात सुनिए, कहाँ हैं आप? हेलो, अरे आप बेड से क्यों उठ गए? यहाँ बैठिए। और वो नर्स कहाँ चली गई? वो अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ गई। कौन थी वो? हॉस्पिटल का स्टाफ थी, शायद बाहर चली गई होगी। आप प्लीज उन्हें एक बार वापस बुला दीजिए ना। जब शिफ्ट चेंज होगी तो वो खुद वापस आ जाएगी, आप तब तक रेस्ट कीजिए। नहीं नहीं, आप हमारी बात नहीं समझ रही, हमें उनसे बहुत जरूरी काम है, आप प्लीज एक बार उन्हें बुला दीजिए या हमें उनके पास ले जी। अच्छा ठीक है, चलिए। आपने एक मिनट, एक मिनट। हेलो, हाँ जी सुनिए, नर्स कहाँ चली गई? मतलब ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। और तुम विश को हमारा झूठा पति बनाकर हमारे घर पर तुमने ही भेजा था ना। जीत की इस हालत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। छी गौरी छी, घिन आती है हमें तुम्हें देखकर। अपना घर बसाने के चक्कर में तुम किसी और का घर कैसे उजाड़ सकती हो? सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, और अब तुम भी तो एक माँ हो ना, उसके बाद भी तुमने हमारी बेटी के साथ ऐसा किया, उसमें तरस नहीं आया तुम्हें हमारी छोटी बच्ची पे? तुम्हारे यहाँ नहीं कांपे ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए? और तुमने ये तक नहीं सोचा कि इस सब के चक्कर में दादी उन पर क्या बीतेगी, उनकी क्या हालत है? किसी के बारे में नहीं सोचा तुमने, किसी के बारे में नहीं सोचा। इतनी मतलबी, इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो तुम? लेकिन अब बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया हमने तुम्हारा अत्याचार। जीत से तो हमें ना कभी रिश्ता रखा है और ना ही हम रिश्ता रखेंगे, बशर्ते आज हमारी बेटी को जीत का खून मिल जाए। और हाँ, जो तुमने हमारे खिलाफ झूठी किडनैपिंग का इल्जाम लगाया है वो वापस ले लो, ताकि हमारा सस्पेंशन लेटर कैंसिल हो सके, ताकि जो दाग तुमने लगाया है हम पर वो हमारे सर से हट जाए। आज पूरा परिवार यही है, हमें समय नहीं लगेगा तुम्हारी पूरी सच्चाई उन सब के सामने उगलने में। फिर एक बात तो तय है कि हम उस घर में उन लोगों के साथ रहें या ना रहें, तुम्हारा उस घर से निकलना तो तय है। तो अब सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। हम तुम्हें कौन है? हे महादेव, ये क्या हो गया हमारे जीत को? जीत की रक्षा करना महादेव।
हम हैं। गौरी, तुम्हारी गौरी, हमें हमें गौरी, तुम्हारे अलावा कोई और भी है क्या यहाँ? वो नर्स भी है क्या? हम नहीं, नहीं 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 नहीं, वो नर्स नहीं है, एक माँ है। हमें कह रही थी कि उसकी, इसकी जो बच्ची है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खून की जरूरत है उसे। और इसका कहना ये है कि इसके बच्चे का खून तुम्हारे ब्लड ग्रुप से मैच करता है, बी नेगेटिव। तो हमसे मदद मांग रही थी, पूछ रही थी कि क्या तुम उसे अपना खून दे सकते हो या नहीं, क्या तुम मदद करोगे? इसमें पूछने वाली बात क्या है, बिल्कुल खून देंगे हम। अरे, किसी बच्चे की हमारी वजह से जान बच जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हम देंगे आपके बच्चे के लिए अपना खून। थैंक यू। किसी अपने के होने का एहसास, और अभी आंसू, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अपना है यहाँ पर? रेखा, रो क्यों रही है? आपकी बच्ची को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे हम उसे, वो हमारी बच्ची जैसी है। हमने बोला ना, हम खून देंगे, बच जाएगी आपकी बच्ची की जान। गौरी, तुम हमें ब्लड डोनेशन के लिए ले चलो। थैंक यू। चलो। देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया है, इससे इसकी जान बच गई है, अब इसको कोई खतरा नहीं है, और आप इसको अब रेस्ट करने दीजिए और कोई भी डिस्टर्ब ना करे इसे। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जीत कैसा है? जीत? हमरा मतलब है, जिस आदमी ने हमरी गोपी को खून दिया है, वो अब कैसा है? अच्छा, वो तो बहुत ही हिम्मत वाले इंसान है, ब्लास्ट के बाद से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहा आपने, दिखाई नहीं दे रहा? अब देखिए जननी एआई की कहानी, 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ दादी, डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उन्हें कुछ भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम उन्हें मेडिसिन भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इस सब के बाद भी उन्होंने आपकी हेल्प की और बच्ची की जान बचाई, मानना पड़ेगा उन्हें। हाँ डॉक्टर साहब। हे महादेव, ये क्या किया आपने? वो बच्ची ठीक है ना? हाँ जी, वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, तुम प्लीज उसकी फिक्र मत करो। थोड़ा सा जूस पी लो बेटा। जी ठीक तो है ना बेटा? पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे बच्चे को,
हम इसे इस हाल में नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। जी, थोड़ा सा पीलो अच्छा है तुम्हारे लिए, प्लीज। कृष्णा, माँ जी, आप कुछ लोग कृष्णा बेटा, कहा कि तुम इतने सालों से एक फोन नहीं किया, घर नहीं लौटी, तुम इतनी नाराज हो गया हम सबसे, तुम बाजी जो बीत गया उसे जाने देते हैं। आप हमें ये बताइए कि जीत कैसा है, वो ठीक तो है ना? जी, जैसा भी है हम उसे संभाल लेंगे। तुम हमें ये बताओ, तुम यहां क्या कर रही हो? क्यों हो यहां? अब तक गए क्यों नहीं? गौरी, ये क्या तरीका है कृष्णा से बात करने का? क्या मतलब, क्या तरीका है बात करने का? अमित जी, आपको बार बार क्यों याद दिलाना पड़ता है हमें? आप याद रखिए कि हमें ना इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ना ही जीत को। अस्पताल है, तमाशा मत बनाओ, जाओ यहां से। ये क्या तरीका है? 6 सालों के बाद कृष्णा वापस लौटी, और वो भी तब जब जीत इस हाल में है। कुछ तो मतलब होगा ना इस बात का, और तुमने कैसे बर्ताव किया उसके साथ? कुछ भी नहीं पूछा कि वो कैसी है, कहाँ थी, और हमें भी उसका हालचाल नहीं पूछने दिया। कैसी बहन हो तुम? मम्मी जी, आप शांत हो जाइए, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम ना बहन चाहे जैसी भी हो, पर पत्नी और माँ कभी पूरे नहीं हो सकती, और ये बात आप भी जानती हैं। जो कुछ कर रहे हैं ना, हम अपने अपने परिवार की खुशियों के लिए कर रहे हैं। अपने पति और अपने बेटे के लिए अपनी बहन की कुर्बानी भी दे सकते हैं।
छह साल तक वो हमें नहीं मिली, हो सकता है ये महादेव का इशारा है कि उसे हमारी जिंदगी से दूर ही रहना चाहिए। और इस वक्त ना अब छोड़िए ये सब कुछ, ये बातें छोड़िए, हमें हमें जीत की फिक्र करने की जरूरत है, जीत के बारे में सोचने की जरूरत है, जीत का ठीक होना बहुत जरूरी है। उसे जल्द से जल्द डिस्चार्ज करना होगा। हमें नहीं लगता हॉस्पिटल का खाना उसे हजम होगा, तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। पर उन्हें दिखना कैसे बंद हो गया माई? और पक्का इस छड़ी से उन्हें की हेल्प तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं होगी, इस छड़ी से वो अच्छे से अपना रास्ता ढूंढ पाएंगे। वैसे माई ये छड़ी तो बिल्कुल हमारे बराबर ही है, क्यों ना हम ही पापा की छड़ी बन जाए, हम तो इससे भी अच्छे से उनको रास्ता दिखा पाएंगे। क्या? पापा को? हाँ, अब हम उन्हें उस्ताद जी नहीं पापा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही बोला कि वो हमारे पापा जैसे हैं। अच्छा जी, अगर तू शिव के पापा की छड़ी बन जाएगी तो एक बात बता कि हमारा क्या होगा है? तेरी माई और इस बुढ़िया को कौन रास्ता दिखाएगा? ओ दादी माँ, अपने आप को बुढ़िया नहीं दादी माँ बोलो, अभी तो पापा को हमारे सहारे की जरूरत है ना, वो ठीक हो जाएंगे तो हम वापस आपका सहारा बन जाएंगे। कोई भी सवाल का जवाब खाली नहीं जाने देती है ना। चलो दवाई का टाइम हो रहा है, दवाई खा ले, आ जा। कितनी भी कोशिश कर ले जीत और गोपी को एक दूसरे से दूर रखने की, लेकिन ये लोग किसी ना किसी बहाने से एक दूसरे के पास आ ही जाते हैं, मिल ही लेते हैं। और अब तो गोपी जीत को पापा कहकर भी बुलाने लगी है। अब क्या होगा जब गोपी को पता चलेगा कि जीत ही उसके असली पापा हैं? जीत की ये हालत देखकर हमारा दिल कचोट रहा है। कैसी किस्मत है हमारी, सामने होते हुए भी हम बता नहीं सकते कि हम कौन है। इश्मा देखो, मैं बिग बॉय बन गया हूँ, मेरे पापा को यहाँ लेके आ गया। जी नमस्कार, हमें पता लगा कि हमने खून गोपी को दिया तो हमसे रुका नहीं गया, उसका हालचाल लेने आ गए, वो ठीक तो है ना? क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? माफ कीजिएगा, हमें लगा कि गोपी सीरियस है तो कहीं आपको भी चोट ना लगी हो। कुछ नहीं पता जीत को अभी, तब इतना भावुक हो रहा है, जब पता चल जाएगा कि गोपी इसी की बेटी है तब पता नहीं क्या करेगा। हम बिल्कुल ठीक है। किश्मा आप मुंह छुपा के क्यों बात कर रही हो? वो क्या है ना, हमें थोड़ी खांसी हो गई है, इसीलिए हमने सोचा कि किसी और को ना हो जाए तो मुंह पर कपड़ा रख लिया। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। चलो पता नहीं कैसा रिश्ता है इनसे,
हमें इनके छूते ही ऐसा लगा जैसे हमारी कृष्णा लौट आई हो, वो हमारे सामने खड़ी हो। आप यहीं बैठिए, हम गोपी को लेकर आते हैं। जी। हमें कृष्णा से बात करनी ही होगी, हमें जानना ही होगा कि वो इतने साल कहाँ रही, घर क्यों नहीं आई, वो इतने सालों की चुप्पी की वजह क्या है, और वो इतने सालों के बाद वापस आ गई तो इस तरह से क्यों आ गई। हमें हमारे सारे सवालों के जवाब चाहिए। दादी हम पागल हो गए, दादी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें, हमें डर लग रहा है दादी कहीं कहीं जीत हमारी आवाज पहचान ना ले, उसे पता ना चल जाए कि हम जिंदा हैं, इसीलिए हम अपनी अपनी आवाज समझ नहीं आ रहा, हम इसे जीत को तड़पता हुआ नहीं देख सकते दादी, हम ऐसी हालत में भी उसके उसके साथ जाकर रह नहीं सकते, उसकी मदद नहीं कर सकते, उसकी बेटी को उससे मिलवा नहीं सकते, सच नहीं बता सकते, अब हम क्या करें, क्या हो रहा है यहाँ पर। किसने कहा है तुझे ये बोझा उठाने को, किसने रोका है तुझे जीत से बात करने को, जा जाकर उसे सच बता दे। हम कृष्णा से अभी बात करते हैं। कृष्णा बेटा तुम जिंदा हो, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। कृष्णा जिंदा है,